अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आपके पास मेटलैब सॉफ्टवेयर नहीं है तो उसका अल्टरनेट आज हम डिस्कस करने लगे हैं। अब आप चेक करें, मेटलैब जो मेरे पास पड़ा हुआ है 2010, उसका जो साइज़ है वो राउंड अबाउट 5+ GB है, 5 point something GB। उसको डाउनलोड करना, फिर उसका क्रैकर डाउनलोड करना थोड़ा सा मुश्किल सा काम है, लेंथी भी है, उसके लिए नेट भी अच्छा चाहिए होगा। और अगर आप हमारे पास एक और इसी के रिलेटेड एक बैकअप पड़ा हुआ है जिसको हम मैटलैब के तौर पे यूज़ करेंगे, बेसिकली वो मैटलैब की सारी कमांड्स सारे टूल्स उसमें यूज़ होते हैं, और बस फ़ायदा क्या है या फंक्शन क्या है उसका, वो ये है कि हमारे पास उसका साइज़ जो है वो राउंड अबाउट 300 MB में जाता है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। सबसे पहले गूगल क्रोम पे जाते हैं। यस दिस वन, अब मैं यहाँ टाइप करने लगा हूँ। यस, ये मैंने टाइप किया हुआ था ऑलरेडी, इसलिए फिर आ गया। अदरवाइज आप फर्स्ट टाइम टाइप करेंगे तो प्रॉपर लिखना होगा। मैटलैब, ये मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ इसको। यह दिस वन मैटलैब ऑक्टेव, इसको मैं ओपन करने लगा हूँ। यस जी जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फाइल है जो हम ओपन करेंगे वो आपके पास लिंक ये नज़र आ रहा है, GNU ऑक्टेव को ओपन करने लगे। अब हम डाउनलोड पे जाते हैं। दिस इज़ योर डाउनलोड डाउनलोड। अब आप चूँकि सिस्टम पे डाउनलोड कर रहे हैं सो हम विंडो पे जाते हैं। उसके बाद आपने चेक करना है कि आपका सिस्टम कौन सा है, लाइक 64 bit है या 32 bit। मेरा तो 64 है, और आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप PC पे जाएं, अपने सिस्टम पे जाएं और उसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करके देख लें, बाई कंप्यूटर पे जाके उसकी प्रॉपर्टीज़ देखें, वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि आपका सिस्टम कितने बिट है। ठीक है, अब मेरा सिस्टम जो है वो है 64 bits, सो मैं ये फर्स्ट फाइल डाउनलोड करने लगा। ये फाइल अभी डाउनलोड होने लगी है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको डाउनलोड होने में, राउंड अबाउट 300 MB है। तो जी स्टूडेंट्स, हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड हो गया, ये आप चेक कर सकते हैं। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। यस बाकी आप वही उसी तरह नेक्स्ट नेक्स्ट कीजिएगा। ठीक है, ये इंस्टॉलेशन हो रही है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल उसी तरह का एक सेटअप है मैटलैब की तरह का ही, बल्कि मैटलैब ही कह सकते हैं, मगर एक उन्होंने ऐसा लिंक इजाद किया है जिससे हमें एटलीस्ट साइज़ का फ़र्क पड़ जाता है। बाकी फंक्शंस वही हैं जो उसके हैं मैटलैब के। अब चेक कीजिएगा, इंस्टॉलेशन हो रही है, सेम प्रोसीजर है। इनफैक्ट इसकी इंस्टॉलेशन भी सिंपल है, उसमें हमें कोई क्रैकर और इस तरह की मतलब एक्स्ट्रा जो है वो वर्क करना पड़ता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है।
जी स्टूडेंट्स, ये ऑलमोस्ट डन हो गया है, बस थोड़ा सा ही रहता है, ये कंप्लीट हो जाए तो फिर उसके बाद हम फाइल ओपन करते हैं, तो वेरीफाई कर लेंगे कि कंपैरिजन भी कर सकते हैं इसको, जो जिस तरह की विंडोज़ उसकी थी वही इसकी भी होंगी। ऑलमोस्ट डन हो गया। यस जी, तो ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया, और GUI, ये हमारे पास दो फाइल्स ओपन होती हैं, आती हैं GLI एंड GUI, हम GUI ओपन करते हैं। जी स्टूडेंट, तो ये आपके पास एक विंडो ओपन हो गई है, अगर आप चेक करें तो इसको ज़रा। अब इसकी एडजस्टमेंट कर लें, अब आप चेक करें, सॉरी ब्लर हो रहा आ रहा है इसमें। ये हमारे पास कमांड विंडो है, यहाँ आप टाइप करते हैं, कुछ भी टाइप कर लें, लाइक हम CLC करते थे क्लियर करने के लिए, तो ये मैंने CLC टाइप कर दिया, ये आप चेक कर सकते हैं, कमांड विंडो है इसमें। अच्छा, उसके बाद